प्यारी है और बहुत छोटी है, और उनके अंदर एक अलग टैलेंट है उतनी छोटी होने के बाद भी। बहुत ही प्यारा है और एक्सप्रेशन उनका भी बहुत प्यारा है, और भगवान करे कि वो बहुत आगे बढ़े। भगवान को ही भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग तो से मिलना, मिस्टर छोटी से बच्चे, उससे आप मिलना चाहेंगे? अगर ऐसा मौका आया तो जरूर मिलेंगे जाके। अभी हमारे साथ टैटू गर्ल सौम्या पोखरेल, जो कि काफी समय वायरल रही है, नेपाल से बिहार आई और बिहार में अपना भोजपुरी में अपना करियर बनाना चाहिए, एक अच्छे मुकाम पे भी पहुंची, खेसारी लाल के साथ एल्बम भी की, और फिलहाल अभी मिस्टी वायरल हो रही है। ऐसे में इनसे हम जानना चाहेंगे कि मिस्टी के बारे में ये क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल सवेरा भारत में आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग अभी सवेरा भारत देख रहे हैं सबको प्रणाम। अभी आपने देखा है कि अभी एक छोटी सी बच्ची मिस्टी वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? एक टाइम ऐसा था कि आप भी काफ़ी वायरल रही है। मिस्टी के बारे में हम क्या, बहुत ही प्यारा है और एक्सप्रेशन उनका भी बहुत प्यारा है, और भगवान करे कि वो बहुत आगे बढ़े। भगवान करे कि बहुत आगे बढ़े, और इसी उम्मीद से जितने भी लोग मिल रहे हैं हमसे, सभी लोग का यही उम्मीद है कि बहुत आगे बढ़े। हम भी यही चाहते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े। क्या बोले, बहुत ही प्यारी है और बहुत छोटी है, और उनके अंदर एक अलग टैलेंट है उतनी छोटी होने के बाद भी। क्या बोले इससे ज़्यादा। क्या लगता है कि उसका स्कोप भोजपुरी में, उसका स्कोप हो सकता है क्या, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री है अभी का जो सिचुएशन है? देखिए, अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं किसी को जज नहीं कर सकती हूँ कि नहीं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही काम कर रही हूँ उस लाइन में। तो एक बात बता दे रही हूँ कि अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर टैलेंट है, तो ज़रूर है, आपके हाथ में सब कुछ है। अगर नहीं है तो क्या भटकना पड़ेगा? क्या लगता है कि महज 3 साल की बच्ची किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रही है? आपने वीडियो देखा होगा, कैसा लगा था वीडियो जब फर्स्ट टाइम आपने देखा? तो भगवान को ही भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग तो इंडस्ट्री के लोग पे आपको ही भरोसा नहीं है शायद, लग रहा है इस तरीके से। भरोसा है पर क्या बोले, है भी नहीं भी क्या। एक्चुअली क्या है ना, इंडस्ट्री में जो लेवल जो होता है ना, डायरेक्ट आपको नहीं मिल पाता है, डायरेक्ट लोग साहब टाई अप नहीं कर पाते, जब बात करना चाहते तो कुछ दिक्कतें आती है। आप तो काफ़ी क्लोजली रहे हैं खेसारी लाल के भी, या तो फिर पवन सिंह के, डायरेक्टली आपने बात किया, एल्बम किया है, तो क्या किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? देखिए, आप जितने भी क्लोज होइए किसी भी स्टार के साथ, तो वो लोग कितने भी हम लोग से बहुत ज़्यादा सीनियर है, हम लोग कितने भी उन लोग से बहुत ज़्यादा जूनियर है, तो आप जितना भी क्लोज हो जाइए ना, उनके चमचे बेलचों से तो हम लोग को झेलना ही पड़ता है। चमचे बेलचों से झेलना पड़ता है, और वो हमेशा पड़ेगा भी, जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री है वहाँ तो। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले तो देखिए, कोई अगर किसी देश से कोई उम्मीद लेके आपके देश में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो अगर मेरे देश में कोई आता तो मैं उसका स्वागत करती, चलो भाई आपका स्वागत है, आप किसी की कुछ काम के लिए आए हैं तो अच्छा, भगवान करे, माता रानी करे कि आप आगे बढ़े अच्छा से, हम लोग जितना हो सके हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं वैसे सोचने वाले, और जो भी सोचते हैं उनको भी भट। 3 साल की बच्ची वायरल हो रही है, बहुत अच्छा बात है कि वायरल हो रही है, और माता रानी करे कि वो बहुत आगे बढ़े, पढ़े लिखे। क्या आप चाहेंगे उससे मिलना, मिस्टी छोटी से बच्ची, उससे आप मिलना चाहेंगे? अगर ऐसा मौका आया तो जरूर मिलेंगे जाके, क्योंकि जिस तरीके से वायरल हो रही है, जिस तरीके से उसका फॉलोअर बढ़ रहा है, आपका रिकॉर्ड काफी कम टाइम में टूटने वाला है। भगवान करे कि टूटे। देखिए, जन्म भर जितना, मतलब दुनिया भर में एक मैं ही नहीं हूँ कि मैं बैठी रहूँगी, मेरे पास कोई नहीं। कम टाइम में आप वायरल हुई थी, बहुत ही कम टाइम में। आप भगवान करे कि बहुत आगे बढ़े वो। आप चाहेंगी कि उसे अपने साथ काम दे, या कहीं आप एक सॉन्ग में, जो भी किड्स एक्टर हो चाहे बच्ची का जो रोल होगा उसमें आप देंगे उसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद ही किसी के पास काम करती हूँ, है ना। अगर आपको ऑप्शन मिले कहीं बच्चे का सीन नहीं, हो तो वैसा होगा, अगर मेरे पास, मेरे वजह से किसी का थोड़ा सा भी अच्छा होता है या किसी को कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वैसा है तो मैं ज़रूर करूँगी। जितने दर्शक लोग, क्या कहना चाहेंगे दर्शक लोग जितने भी ये देख रहे हैं, सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से मिले, साथ में चले और मिलके काम करें और आगे बढ़े। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।